बाप थाना क्षेत्र के भरतासर गांव के पास NH 11 पर हुए सड़क हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बाप निवासी मोतीलाल पुत्र नारायणदास पालीवाल अपनी पत्नी मंजू के साथ बाइक पर बाप से फलोदी जा रहा था। भरतासर के पास पीछे से आए एक पिकअप चालक ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर से बाइक सवार मोतीलाल व उसकी पत्नी मंजू उछलकर सड़क पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही निजी एम्बुलेंस चालक नरपत माली मौके पर पहुंचा तथा दोनों घायलों को बाप स्थित CHC पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया। इंदिरा गांधी नहर की RD 1120 के पास वन पट्टी में सोमवार दोपहर में लगी आग मंगलवार को फिर भभक गई। दोपहर में वापस लगी आग को 6 दमकलों की सहायता से शाम 6 बजे तक काबू में पाया जा सका। 2 दिन से भीषण आग की वजह से लोगों में दहशत है। हालांकि किसी प्रकार का बड़ा नुकसान होने के समाचार नहीं है। आग से वन संपदा बड़े स्तर पर जलकर राख हुई है। आपको बता दें कि सोमवार को RD 1120 के पास नहर के दोनों तरफ भीषण आग लग गई थी। तेज हवा की वजह से आग 4 किलोमीटर तक फैल गई थी। आबादी की तरफ बढ़ने से लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। आग दुकानों के पास पहुंचने से पहले काबू में आने से सभी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन मंगलवार को वहां फिर आग भभक गई। आग की सूचना मिलते ही बाप तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा मौके पर पहुंच गए। भड़ला स्थित 220 केवी GSS पर बुधवार शाम 7 से रात 1 बजे तक रख रखाव व मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इस दौरान शट डाउन रहेगा। बाप के सहायक अभियंता गोविंद राम ने बताया कि 220 GSS से निकलने वाले 33 केवी धौलिया तथा 132 केवी GSS खेतूसर से निकलने वाले सभी 33 केवी फीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी, जिस वजह से रोला, भड़ला, बारू, खेतूसर, सोनलपुरा, दुर्गानी, टेकरा, टेपू, कनासी, देदासरी, धोलिया, अर्जुनपुरा, इस्माइल की बस्ती आदि गांवों की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी।